नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एजोटीमिया कहते हैं। इसके कॉजेज क्या है? सिस्टमिक डिजीजेज जो हैं, डायबिटीज मेलाइटस, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ये तमाम चीज़ें लीड करती हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ को, अगर उन्हें वक्त पर बेहतर ना किया जाए या उनकी कोरेक्टिव मेजर्स ने की जाएँ या फिर उनकी मेडिकल मैनेजमेंट ना ली जाए। हेरिडिटरी लीजन्स, इन्फेक्शंस वगैरह एंड स्टेज रीनल डिजीज़ को कॉज करते हैं। मेडिकेशंस, डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर्स, टॉक्सिन एजेंट्स और ऑक्यूपेशन भी बहुत इसमें किरदार अदा करता है। पैथोफिजियोलॉजी की तरफ आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो रीनल फंक्शन डिक्लाइंस, यानी कि रीनल फंक्शन कम होता है, उसकी वजह क्या है? द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉडी से एक्सक्रीट होनी चाहिए, वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं ब्लड में और मुतवातर ब्लड में या एक्यूमुलेट होने की वजह से किडनी फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है डे बाय डे और पेशेंट लीड टू क्रॉनिक रीनल फेलियर। और क्रॉनिक रीनल फेलियर ऐसा फेज है रीनल फेलियर का जो कि रिवर्सेबल नहीं है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ते जाते हैं और पेशेंट दिन ब दिन रीनल इंसफिशेंसी की तरफ बढ़ता जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर की कुछ स्टेजेस हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर को तीन स्टेज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट स्टेज में इसका 40-75% नेफ्रन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेकंड स्टेज में 75-90% नेफ्रन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। और एंड स्टेज में, एंड स्टेज रीनल डिजीज यानी कि थर्ड स्टेज में लेस देन 10% रह जाता है, मींस के मोर देन 90% जो है रीनल नेफ्रन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में, स्टेज वन में पेशेंट कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करता और नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है। सेकंड स्टेज में पेशेंट का क्रिएटिनिन और यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया या एंड नॉक्टूरिया होता है, यानी कि बार बार पेशाब आता है या फिर रात के वक्त पेशेंट यूरिनेशन फील करता है। एंड स्टेज रीनल डिजीज में नेफ्रॉन फंक्शन जो है वो 10% से भी कम रह जाता है, जिसमें पेशेंट एक्सक्रीटरी हार्मोनल फंक्शंस और रेगुलेटरी फंक्शंस तमाम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें भी क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल बढ़ जाता है और इसके साथ साथ तमाम इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस स्टेज में, जो स्टेज थ्री है, इसमें आम तौर पर डायलिसिस ही किया जा सकता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। इस वजह से इसके सिम्टम को ख़त्म करने के लिए और पेशेंट को ख़राब हालत से बेहतर हालत में लाने के लिए पेशेंट का हम डायलिसिस किया जाता है। इसके साइन सिम्टम क्या है? जीआई सिस्टम में एनोरेक्सिया होगा, नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, अल्सरेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट होगा, हिकअप होगा, हेमरेज होगा। उसके बाद आते हैं सीवीएस सिस्टम पे, पेरिकार्डियाइटिस हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं और पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, ये कॉमन देखा गया है क्योंकि पेशेंट
यूरिन यानी कि फ्लूड वॉल्यूम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता तो वो बॉडी की डिफरेंट कैविटीज़ में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में फटीग फील करेगा पेशेंट, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी, हेडेक होगा, मस्कुलर इरिटेबिलिटीज़ होगी, न्यूरोपैथीज होगी और पेशेंट सीजर में भी फील कर सकता है और कोमा में भी जा सकता है। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या होंगी पेशेंट में, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाएगा, हाइपर लिपिडीमिया होगा, सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे और एमेनोरिया भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में क्या होगा, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो जाएगा क्योंकि पेशेंट की किडनीज जो है वो वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे यूरिन की फॉर्म में, जिसकी वजह से पेशेंट में सॉल्ट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और सॉल्ट लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ पेशेंट डिहाइड्रेट भी हो सकता है, एसिडोसिस की तरफ भी जा सकता है, हाइपरकैलेमिया की तरफ भी जा सकता है। डर्मेटोलॉजी की तरफ अगर देखें तो पिगमेंटेशन हो सकती है पेशेंट को, प्रोराइटस हो सकता है, पेल हो सकता है पेशेंट। स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज की तरफ जाएं तो कुछ भी हो सकता है, स्केलेटन सिस्टम पेशेंट का डिस्टर्ब हो सकता है, स्केलेटन सिस्टम के जो इलेक्ट्रोलाइट नीड है जो स्केलेटन सिस्टम की उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। हेमाटोलॉजी की तरफ जाएं तो एनीमिया हो सकता है, प्लेटलेट का डिफेक्ट्स आ जाता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी में जो है वो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ सकती है। साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है, पर्सनैलिटी और बिहेवियर चेंज हो सकता है, कॉग्निटिव प्रोसेस में